नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव खबर। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। देश की आजादी को 71 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा देश कुप्रथाएं और भेदभाव की गुलामी से आजाद नहीं हुआ है। ऐसा ही एक मामला बदायूं से सामने आया है, जहां एक माँ बाप ने अपने अजन्मे बच्चे को गर्भ में ही मार दिया। वो भी सिर्फ इसलिए कि उनको पता चला कि गर्भ में पल रहा शिशु एक कन्या है। देखिए इसी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। माँ की कोख में सो रही इस बच्ची की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। कोख के अंदर से ही बच्ची अपने माँ बाप से बार बार यही पूछ रही थी कि क्या ऐसा करते हुए तुम्हारा दिल एक बार भी नहीं पसीजा। शायद यही कहना चाहती होगी वो अजन्मी बेटी, जिसे दुनिया में आने से पहले ही मार दिया गया। मामला बदायूं के सिविल लाइन थाना इलाके नवादा स्थित जीवन ज्योति ट्रॉमा सेंटर मैटरनिटी हॉस्पिटल का है, जहां धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों के साथ मिलकर उसके ही माँ बाप ने उसे दुनिया में आने से पहले ही गर्भ में मार दिया। वहीं मामले में SHO देवेश सिंह ने बताया कि उन्होंने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने देखा कि निर्दयी माँ बाप डॉक्टरों के साथ मिलकर एक कन्या के भ्रूण को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी माँ बाप और डॉक्टर के साथ साथ कर्मचारियों को भी गिरफ्तार कर लिया और भ्रूण को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने बताया कि जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इससे पहले भी यहां इसी थाना इलाके के जंगल में कई भ्रूण मिले थे। मौके से ही एक व्यक्ति को भ्रूण को छुपाने को जब छुपाने जा रहा था तभी पकड़ लिया था। इसमें पता चला कि जो जीवन ज्योति हॉस्पिटल है, इसमें इस भ्रूण को भ्रूण की हत्या की गई है। इन्होंने अवैध रूप से उन्होंने किया था। ये इसमें CMO को भी सूचना दे दी गई है, उनके द्वारा अपनी कार्रवाई की जा रही है और इसमें अभी पंजीकृत करा दिया गया है। ये जो इसमें डॉक्टर है और जो इसका मैनेजमेंट है, ये लोग इसमें एक हर्ष नाम का आदमी पकड़ा गया है, हरिश नाम का आदमी पकड़ा गया है। ये रहने वाला कासगंज का है और इसमें डॉक्टर है, उसको नामित किया गया है। बाकी इसमें जो और लोग रहते हैं, मैनेजमेंट है, इनके जो आया है, जो भी हैं, इनको भी छानबीन की जा रही है किसकी क्या भूमिका है इसमें। इन लोगों के जब बातचीत की गई है, इनसे पूछताछ की गई है, तो पूर्व में भी जो भूल मिले थे यहाँ पर बदायूं में, वो भी इन्हीं लोग के द्वारा फेंके गए थे, उसमें भी इनको आरोपित किया गया है। अब देखना होगा कि आखिर प्रशासन बेटियों को मारने वाले लोगों पर कब लगाम लगा पाता है। और सवाल ये उठता है कि क्या भ्रूण हत्या पर कभी लगाम लग पाएगी।